कल रात को आपने देखा होगा सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ वायरल हो रही थी कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के शमशान भूमि में एक बार फिर से, इसके पहले भी जो है लकड़ियों की कमी हुई थी, जिसके वजह से जो कि वहाँ पर मृतकों को लाया जा रहा था परिवार द्वारा अंतिम संस्कार के लिए, तो उन्हें जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रशासन की ही जो है देख रेख है कि वहाँ पर लकड़ियाँ किस तरीके से पहुँचाना, साथ ही साथ वहाँ पर जो कमेटी बनी हुई है तो कमेटी किस तरीके से काम करती है, उसके लिए जानने के लिए हमारे साथ हरेश कृष्णानी जी मौजूद है, जो कि कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से जो है कमेटी काम करती है, प्रशासन जो है वहाँ पर किस तरीके से काम करती है, क्या हमारा काम है लकड़ी का अरेंजमेंट करना, साफ सफाई, ये सब करना, वो सब कुछ पूरा है। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि वहाँ पे साफ सफाई करते हैं, वहाँ पे जब हम पहुँचे तो शौचालय की हालत खराब थी। कुछ समय पहले जब वहाँ पर एक देहांत हुआ था, एक बड़ी हस्ती का देहांत हुआ था, तो शहर की कई गणमान्य हस्तियाँ मौजूद थी, तो वहाँ पर पेंटिंग का काम चला, छत की पेंटिंग का काम था, वो भी आधे अधूरे में रह गया। वहाँ पर जो है और भी कई ऐसी परिस्थिति है, जिस तरीके से जो लगा कि जो प्रतिमा वहाँ पर बनी हुई उसे भी बनाना था, तो काफ़ी समस्याएं हैं वहाँ पर। और आपका कहना यह है कि वहाँ पर सब चीज़ें जो है ठीक, तो ऐसे कलर का जो काम था जब बड़ी हस्ती का देहांत, तो कलर का काम चालू था, तो वहाँ पे जो कलर मारते हैं तो कलर नीचे गिरेगा, जब वो कलर ख़त्म होगा तो उसके बाद ही सफाई होगी ना। शौचालय के लिए वहाँ क्या कहेंगे? शौचालय रोज़ सफा होता है सवेरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जो कि सामने ऑफिस बना हुआ है शमशान भूमि का, जहाँ पर मेंटेन रिकॉर्ड्स मेंटेन की जाती है, पावती दी जाती है जलाने के बाद घर परिवार आते, कितने सालों से उसे जो है दुरुस्त नहीं किया गया, उसकी भी तस्वीरें काफ़ी जंजर जो है सामने आई। उसको दुरुस्त किया गया है, अभी ये हम लोग ऑफिस ये बंद करके सब अंदर ही ऑफिस बनाएंगे, अंदर ही सब शुरू कर देंगे। कितने समय से जो है उसका काम किया जा रहा है, कितना समय और लगेगा? वो अभी अभी सबको बोला है किसे फंड लेके हम वो बाहर वाला ऑफिस बंद करके अंदर ऑफिस चालू करेंगे, जिससे लोगों को कुछ तकलीफ नहीं हो, कुछ हो नहीं। जो पैसों का जो वहाँ पर मेंटेनेंस होता है वो किस प्रकार से होता है, प्रशासन द्वारा किस तरीके से ट्रांजैक्शन किया जाता है, कमेटी उसे किस तरीके से देखती है, और किस तरीके से जो है पूरा काम वहाँ पे किया जाता है, जानना चाहेंगे। प्रशासन जो है हमको 6 मन लकड़ी का पैसा देती है, किसको 6 मन लगता है, किसको 8 मन लगता है, किसको 7 मन लगता है, हमको 6 मन का मिलता है, एक प्राणी के ऊपर हमको 1,000 रुपये मिलता है, वो हम घाटे में चल रहे हैं, हमको उसमें से कुछ फ़ायदा नहीं है। इस घाटे की कभी आपने कंप्लेंट की, शिकायत की, तो क्या रवैया रहा प्रशासन का और किस तरीके से? हमने 10 बार प्रशासन को बोला है लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती है। हम जो लकड़ी का पैसा लेते हैं 1,000 रुपया एक प्राणी का, वो भी हमको 3-4 महीने के घुमा के बाद में देते हैं, 10 दिनों को कारपोरेटर को सवाल करना पड़ता है, उसके बाद हमको मिलता है, और 5वें नंबर में ऐसा ही है। मतलब नगर सेवकों का भी वहाँ पे कोई सहयोग नहीं, प्रशासन का भी कोई नगर सेवक हमको सहयोग देते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन प्रशासन जो है हमको घुमा के ये कर देते हैं, 3-4 महीना लग जाते हैं हमको चेक मिलने में। कृष्णानी जी, एक गंभीर सा आरोप जो है सूत्रों के अनुसार है, देखिए जब चर्चाएं होती है, जब बातचीत होती है, तो इस तरीके के आरोप लगते हैं, तो उसे स्पष्ट करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा यह जाता है कि वहाँ पर जो पैसे आते हैं उसे जो है ब्याज पर चलाया जाता है, या फिर जो प्रशासन द्वारा जो सहायता वहाँ पर आती है तो उस पैसों का जो है दूसरी जगह कहीं पर उपयोग किया जाता है, इस पर क्या आपकी स्पष्टता है? हमें पैसा कहाँ से भी नहीं आता है, खाली कॉरपोरेशन से आता है, और हमारा हर महीने में अकाउंट जो है वो क्लियर होता है, यहाँ पे भी नहीं, जो अपना जो ट्रस्ट का जो है वहाँ पे भी हम अपना हिसाब किताब अभी क्लियर करके आए, और हम लोग जो है जो छोटा मोटा काम है ना वो अपने पैसों से ही चलाता है, किससे हमने अभी तक डोनेशन नहीं लिए हैं। जो लकड़ियाँ जो कि इसके पहले भी जो है सामने आई थी, बीच में जो है मनसे ने भी जो है वहाँ पे आंदोलन किया था कि रात के समय में लाइट नहीं थी, एक तरीके से आपका कहना है कि वहाँ पे पूरी तरीके से मेंटेन हम रखते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, हमने जब खुद जायज़ा किया तो काफ़ी परिस्थितियाँ ख़राब थी, तो क्या हम समझे कि वहाँ पर वाकई में ही प्रशासन द्वारा काम किया जाता है या कमेटी द्वारा काम किया जाता है, फिर या नहीं किया जाता, क्योंकि तस्वीरें जो कि हमने आज जाके खुद से देखी है वो वाकई में कुछ और बयां करती है। हम लोग जो हमारे आदमी जो है वो सवेरे काम करते हैं, आप उनसे पहले गए होंगे, सवेरे के बाद अपना पूरा साफ़ सफाई सब हो जाता है क्लियर डेली का डेली, उसके बाद दोपहर को करते हैं, उसके बाद में शाम को फिर सफाई करते हैं। देख रेख के लिए वहाँ पर कितने लोगों को रखा गया है, क्योंकि शमशान भूमि है, काफ़ी जगह से लोग आते हैं, वडोल गांव से लेके, आशेला पाड़े से लेके, 4 नंबर से लेके, कई लोग लाल चक्की परिसर से, यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोग आते हैं, तो किस तरीके से वहाँ पर लोग देख रेख के लिए, कितने लोग वहाँ पर देख रेख के लिए रखे गए, कमेटी द्वारा या फिर प्रशासन द्वारा?
हमने अपने कमेटी के प्रशासन द्वारा हमको एक आदमी मिलेला है जो सवेरे आता है और शाम को ड्यूटी पूरा करके चले जाते हैं। हमने अपने तरफ से दो अपना रखा आदमी और दो नीचे वाले जो अंदर ये करते, चार आदमी हमारा रखेला है। उससे पूरा काम हो जाता है, वो सब पूरा हो जाता है। खाली सवेरे को दिक्कत होती है, जब तक कभी मैया जो है कभी 10 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है तो जागते हैं, तो सवेरे सफाई में खाली थोड़ा कभी कभी लेट हो जाए, बाकी कुछ भी तकलीफ नहीं है। और हमको जो प्रॉब्लम है, चेक मिलने का ही प्रॉब्लम है, 3-4 महीने घूमने के बाद भी हमको लकड़ी का पैसा नहीं मिलता है। लेकिन वो जो पेमेंट भी आती है वो भी ठीक तरीके से इस्तेमाल की जाती है? वो आता है चेक थ्रू और हम डालते चेक के थ्रू है, वो कैश नहीं आता है, सब चेक के थ्रू आता है। हम डीलिंग भी चेक के थ्रू करता है, लकड़ी लेता है वो भी चेक के थ्रू देता है, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं है। अच्छा, आखिरी में ये जानना चाहेंगे कि कमेटी के लिए कुछ, कमेटी कुछ प्रशासन से मांग करना चाहे, जो दिक्कतें प्रशासन के द्वारा हो रही है तो कमेटी जो है उसे मांग करना चाहे ताकि जो है प्रशासन उसे पूरा कर पाए। हम मांगते आते हैं और मिला तो हम काम शुरू कर देते हैं, और कभी किसी से हमने डोनेशन लिया नहीं, एक ही बार लिया वो भी कुछ 70-80 हज़ार रुपये लिया, वो लकड़ियों के लिए। हम किसी भी डोनेशन नहीं लेते हैं, खुद भी कोई नहीं देखे जाता है। से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाते जाते यही कहेंगे प्रशासन की लापरवाही के राजा हो या रंग फकीर, आखिर में आपको वहीं जाना है, मुट्ठी बंद करके एक दिन राख में मिल जाना है। तो ऐसी परिस्थितियों पर, ऐसी जगहों पर जहां पर दुख के समय में लोग आते हैं, वहां पर प्रशासन ध्यान दे। कहीं कमेटी का भी ये कहना है कि देख रेख किया जाता है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जिसे पूरा किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से हम यही कहेंगे कि शहर भर में भ्रष्टाचार, लेकिन शमशान भूमि में जो कि स्वर्ग भूमि मानी जाती है, स्वर्ग का रास्ता माना जाता है, उस स्वर्ग भूमि को नर्क भूमि ना बनाए, प्रशासन इस पर ज़रूर ध्यान दें।